बेगूसराय के छौराही प्रखंड क्षेत्र में गैर मजरुआ आम भूमि को अवैध कब्जा को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की बातें हो रही है। ऐसी ही हमारी पंचायत के धनुटोल में मामला तूल पकड़ रहा है। बताते चले कि माननीय न्यायालय के आदेश पर तकरीबन 2 एकड़ से ज्यादा भूमि जो कि गैर मजरुआ है, जिसे लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, उसे कमिश्नर बहाल कर अंचलाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से मुक्त कराया गया था। उक्त गांव के निवासी नंदलाल महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि खाता संख्या 42 खेसरा संख्या 375 पर अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। यह मामला पूर्व से चला आ रहा है, किंतु आंख मिचौली का खेल पंचायत के सरपंच हेमा देवी के पति अरविंद कुमार महतो ने दबंगई से माननीय न्यायालय का अवहेलना करते हुए उस भूमि पर अपने सहयोगी के साथ अवैध कब्जा कर लिया है। जबकि पंचायत के जनप्रतिनिधि जनता का रक्षक और कानून का पालनहार होता है, उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी प्रशासन को दिया गया है, साथ ही जिला प्रशासन से कार्रवाई कर मुक्त कराने की मांग की गई है। अंचलाधिकारी सुमंत नाथ ने दूरभाष पर बताया कि जब मामला भूमि विवाद का माननीय न्यायालय में लंबित है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बीटी न्यूज बिहार के लिए छौराही से हेमकांत सिंह की रिपोर्ट। बात करके सीओ बीडीओ साहब आए के घर अथी जमीन खाली किया, पर सरपंच साहब ने सब जमीन जोत के अपन कब्जा कर लिया। सरपंच में कौन है वो लोग की नाम से नाम बोलिए नाम हमने जाने से। बात करके घर में जो आम जमीन खाली करवाया। कितना जमीन था? 2.5 बीघा। अच्छा। और सरपंच साहब के लोग सब जमीन जोत लिया। कौन सरपंच साहब के पति जी? कौन, क्या नाम है उसका? अरविंद महतो। अच्छा, उसके पिता का नाम? रामनंदन महतो। पंचायत का सरपंच है वो? जी। तो वही और गलत काम किया जी। आपका नाम? नंदलाल महतो। घर? अमारी टोला धनु टोल। ये सीओ साहब जमीन खाली कर भैया, सरपंच साहब के पति सब जमीन जोत लिया। क्या नाम है उसका? उनका अरविंद महतो। अच्छा, आपका नाम? नंदलाल महतो। घर? अमारी टोला धनु टोला।